धन्यवाद मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का, और मैं करबद्ध क्षमा याची हूँ आप सभी का कि आने में थोड़ा लेट हुआ, इस वजह से आप लोगों को सुन नहीं पाया, लेकिन छोटा होने के कारण आप सभी को थोड़ा बहुत सुना जरूर पाऊँगा, यहाँ पर ये उम्मीद है। देखिए, जिस सब्जेक्ट को ये हमारे युवा साथी लेकर चले हैं, उसके लिए पहले ही दिन से मैं सोच में था कि क्या सब्जेक्ट इन्होंने चुन लिया और किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन जब मेरी भी इस विषय में 3-4 लोगों से बात हुई जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए हैं, सरकारी मीडिया संस्थानों में डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर रैंक पर हैं, तो पहला जब सवाल उनसे किया गया कि क्या आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, तो जब उनको सब्जेक्ट से वाकिफ किया गया तो सब्जेक्ट के बाद उनका एक बार नहीं में आंसर नहीं, लगभग नहीं कि पावर 10 या 20 लगा दी जाए, ऐसे उनके जवाब आते थे। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना अगर बोलेंगे तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन एक पंक्ति फिर मेरे दिमाग में आई, त्रिनाथ मिश्रा जी, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि मैं तो चला था अकेला, ये मेला मेरे साथ हो गया, और ये मेला मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में आपके साथ और आगे बढ़ेगा, और इसकी चोट जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसकी हम भी खाए हुए बैठे हैं यहाँ पर। 2007 का एक वाक्या मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दे पर बोलने के लिए तो मेरे वरिष्ठ साथी ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुके हैं, लेकिन जो वाक्या मीडिया संस्थानों में होता है और जिसका हम सभी लोग भुक्तभोगी हैं जिस चीज के, तो उन चीजों से पार पाकर किस तरीके से अपने आप को हम अपने प्रोफेशन में स्टैंड कर पा रहे हैं आज के दिन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है हमारे फील्ड में। प्रोफेशनलिज्म को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और टैगलाइन एक चैनल की या एक पेपर की दे देते हैं, सच के साथ हमेशा अपनों के लिए, या बी ट्रूथ ऑलवेज, न्यूज फॉर यू विद यू ऑलवेज, तो इस तरीके की टैगलाइन सिर्फ पोस्टर्स और स्लोगन्स पर शोभा देती है। लेकिन जब प्रोफेशनलिज्म कोई पत्रकार उस संस्थान में आकर दिखाना चाहता है तो उसको सर से पकड़कर या मुंह से हाथ लगाकर दबा दिया जाता है और कहा जाता है बस दैट्स एनफ। सो ऐसा नहीं है कि इसी को हम प्रोफेशनलिज्म कहेंगे। उसके बाद भाई साहब ने कहा कि इन्होंने किस अवस्था में मीडिया से क्विट किया था, क्या इन्होंने एक रूपरेखा बताई थी, तो ऐसी एक रूपरेखा हमारे साथ भी हुई थी 2007 में। एक पूरे ग्रुप को उस समय एक सरकारी संस्थान से क्विट किया था हमने उस टाइम, लेकिन उसके बाद आज तक हम स्टैंड कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया उसके बाद भारत में दो भागों में विभाजित होता हुआ हमें नजर आया। वो दौर भी हमने मीडिया का देखा जब खादी का कुर्ता पहनकर एक झोला लटकाकर पत्रकार की पहचान दूर से हो जाती थी, और आज उसी पत्रकार को पहचानने के लिए कोई आंखें या कोई नजर उनको पहचान एक नजर में नहीं पाती, लेकिन उनकी पहचान करवाई जाती है कि ये हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये ऐसे ऐसे आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। आगे किसको बढ़ाएंगे? देखिए, पहले पूंजीपति यों को पत्रकार चला लेते थे, ये कहना सही होगा अगर मैं कहूं, लेकिन सिक्के के दो पहलू हैं। आज वो पहलू पलट गया है कि पूंजीपति पत्रकारों को चला रहे हैं, लेकिन सिर्फ उस हद तक चला रहे हैं जिस हद तक हम चलने के काबिल हों। हमने सरकारी संस्थान से 2007 में 15 लोगों की टीम ने क्विट किया, सिर्फ एक इस वजह से कि जो सरकारी दूसरे संस्थान की हमने पोल खोली थी उसको सरकारी चैनल ने दिखाने से मना कर दिया। 2 महीने का किया हुआ हमारा कराधरा सब मिट्टी में मिला दिया गया। उसके बाद हम लोग इस कदर हाथ उठा चुके थे कि इस प्रोफेशनलिज्म को छोड़ के किसी और कारोबार में अपना समय लगाएंगे, लेकिन तभी 2007 में हमने इंटरनेशनली इस प्रोफेशनलिज्म को ज्वाइन किया और आज तक उसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्हीं लोगों की, उन्हीं पूंजीपतियों की जड़ खोद रहे हैं, और लगभग 7 साल में 7 से 8 मेन पूंजीपतियों की तो खोद ही चुके होंगे, और इतना आप लोगों का दुआ और प्यार मिला है उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर कि जिस तरीके से जो चीज, जो एम हम लोग लेकर चले थे उस दौर में कि प्रोफेशनलिज्म किस हद तक हम लोग ले जा सकते हैं, तो उस हद तक आज भी हम लोग ले चुके हैं और ले जा चुके हैं। देखिए, भारत की अगर हम बात करें, नेशनल जर्नलिज्म की अगर हम बात करें, जहाँ कई स्टूडेंट्स से मुलाकात होती है, उनसे चैट होती है कि किस तरीके से हम लोग नए जो बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड में, किस कदर वो अपना भविष्य किस एम को लेकर अपने आगे चले, लेकिन फिर वही ये सब्जेक्ट सामने आ जाता है कि अगर हम मैं आगे चला तो अपनी कलम को कहीं ना कहीं मुझे दबाना पड़ेगा और किसी ना किसी रूप से मुझे उनकी जुबान अपनी कलम से बखान करनी पड़ेगी।
जो उनकी जुबान में है या जो उनके बेस में है उसको मुझे अपने तरीके से लोगों के सामने निकालना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहला मीडिया संस्थान मेरे युवा साथियों की जेब में है, जिसको आज के दिन मेन स्ट्रीम मीडिया भी फॉलो करती है, जिसका नाम है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया जब से पनपा है तो मीडिया संस्थानों में और पूंजीपतियों में काफी सुगबुगाहट हुई, और उसके बाद जब उन्होंने उस पर लगाम लगाने की सोची तो कुछ परसेंट मैं कहूंगा आज की सोशल मीडिया पर भी हमारा सरकारी आवाम लगाम लगा चुका है, जिसकी पहल भी हमने पिछले कुछ दिनों में काफी जगह देखने को मिली है कि कई चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी लेवल में बैठी हो या फिर किसी भी लेवल का हाई कमांड कोई लीडर है, तो वो उस चीज को आज वहां भी दबा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज को प्रोफेशनलिज्म के तरीके से ना लाकर अपनी बातें मुख्य मेन स्ट्रीम के आगे, मेन स्ट्रीम पीपल्स के आगे, मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस के आगे ला सकते हैं। उसके बाद आपकी वो बात को सुना जाएगा, नहीं भी सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन युवा साथी जो आज के दिन इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अवसर हैं, बहुत अच्छे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे, यहाँ प्रोफेशनलिज्म का भी दौर आने वाला है, ऐसा नहीं है। दो भागों में बटा हुआ मीडिया कहीं ना कहीं स्वयंभू की जो डिग्री आती है उनको बहुत इसमें अग्रसर करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वहीं पर डिवाइड हो गया जहां स्वयंभू पत्रकार इस फील्ड में घुस गए हैं। कहते हैं ना कि पत्रकारिता के लिए डिग्री चाहिए, लेकिन आज का जवाब है नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तो वही पैसा आज यहां पर सब्जेक्ट बनकर उभरा है, और उस सब्जेक्ट को मैं अपने युवा साथियों से सिर्फ और सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा, देखिए ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, कि आप इस संस्थान से जुड़िए, इन संस्थानों से जुड़िए, लेकिन अपने मेन स्ट्रीम प्रोफेशनलिज्म को और अपने एम को आगे रखकर अगर आप जुड़े और अपने एम के साथ चले तो मैं नहीं समझता कि कोई ताकत इस जहान में ऐसी पैदा हो गई है कि पत्रकारिता या पत्रकार की कलम को रुकवा पाएगी या तुड़वा पाएगी। जय हिंद, जय भारत।